नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर आ रही है गहमर से। स्थानीय गांव के राम चबूतरा के मैदान पर भाजपा द्वारा आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा की उपलब्धियों एवं नीतियों को बताकर पंचायत चुनाव की बीगुल फूंक गए। माँ कामाख्या के जयकारे एवं गहमर को शहीदी धरती बताकर भाषण को शुरू कर स्वतंत्र देव सिंह ने विश्वनाथ सिंह गहमरी का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड की जिस गरीबी का जिक्र गहमरी जी ने संसद में किया था, उसी गरीबी को दूर करने का प्रयास केंद्र और राज्य सरकार कर रही है। 1942 के सत्याग्रह में या अन्य आंदोलनों में गाजीपुर के लोगों ने जो वीरता का परिचय दिया था, उससे पूरा देश अभिभूत है। आप सबको अभी भाजपा को 10 साल और देना है, तभी 70 साल की गंदगी को ख़त्म किया जा सकेगा। गाजीपुर से चले प्रदेश अध्यक्ष का काफिला जैसे ही करहिया पहुंचा तो ग्राम प्रधान शिव शंकर सिंह की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ जमकर स्वागत किया। भदौरा करहिया कामाख्या धाम सहित गहमर में कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। गहमर के राम चबूतरा के मैदान में आयोजित चौपाल कार्यक्रम का आगाज प्रदेश अध्यक्ष ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन करके किया। तत्पश्चात जमानिया विधायक सुनीता सिंह ने स्वागत भाषण देकर कार्यक्रम को गति दी। MLC विशाल सिंह चंचल ने गहमर की विशेषता एवं विविधताओं का उल्लेख करते हुए विश्वनाथ सिंह गहमरी पटेल आयोग वीरवर मैगर सिंह पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक बूथ अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष तथा एक सामान्य सा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री बन सकता है। अन्य पार्टियों जातिवाद एवं भाई भतीजावाद को प्रशय देती है। जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है, ये सिर्फ अपने विकास में 70 साल से लगी रहीं। मोदी जी की अगुवाई में आज नया भारत चीन और पाकिस्तान से उसी की भाषा में बात कर रहा है, देकर कार्यक्रम को गति दी। वक्ताओं के क्रम में MLC विशाल सिंह चंचल आदि ने अपने विचार प्रकट किए। उक्त अवसर पर सरोज सिंह कुशवाहा, कृष्ण बिहारी राय, राम नरेश कुशवाहा, ओम प्रकाश राय, हरि ओम सिंह, मनीष सिंह बिट्टू, हरेंद्र कुशवाहा, प्रवीण सिंह, दयाशंकर पांडे, अखिलेश सिंह, शशिकांत शर्मा, अच्छेलाल गुप्ता, डॉक्टर विजय यादव, विनोद अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह एवं संचालन सुजीत सिंह के ने किया। राम सीता जो बीच बन रहे हैं, इसको देखते हुए क्या कहेंगे? देखिए, वह क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन मेरा मत रहता है भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है मिशन की, गांव गरीब किसान की खुशहाली की, और दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़े, मान बढ़े और परम वैभवशाली एक शक्ति के रूप में उभरे। आज पहली बार 60 सालों के बाद, 70 सालों के बाद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना जैसी चुनौती अवसर सप्लाई किया। मैं कह सकता हूँ यहाँ विज्ञान, खेती, अब पूरी दुनिया मेरी तरफ देख रही है, वहाँ के लोग और सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर क्या कहेंगे सर? हमारी तैयारी है, पार्टी का तय किया है कि जिला पंचायत लड़ाएंगे, राज्य आज प्रदेश अध्यक्ष जी का गहमर में कार्यक्रम था, किस प्रकार कार्यक्रम था यह? पार्टी ने तय किया था कि हम जन चौपाल के द्वारा लोगों से मिलने का कार्यक्रम रखेंगे, जनप्रतिनिधि भी होंगे, पार्टी संगठन के भी लोग होंगे। उसी में अध्यक्ष जी का कार्यक्रम पहली बार आगमन हुआ था गाजीपुर में अध्यक्ष बनने के बाद, और उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, मैंने उनको निमंत्रण दिया था कि मैं गहमर में ही कार्यक्रम करूँगा, तो 28 तारीख का पोस्टपोन्ड हो गया था, अब ये इस बार चौपाल के माध्यम से लोगों। मैं ग्राम प्रधान करहिया शिव शंकर सिंह। प्रधान जी, आज प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है हमारे क्षेत्र में, तो किस प्रकार का कार्यक्रम था, कैसा आगमन था ये? प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन ग्राम चौपाल के लिए आज आगमन था, जिसमें करहिया ग्राम के सभी कार्यकर्ता भारी से भारी संख्या में उनका स्वागत किए। स्वागत के बाद करहिया के से ग्राम गहमर के लिए उनके साथ माँ कामाख्या के दर्शन के बाद उनके लिए उसके बाद गहमर रवाना हुए।
इसमें भारी से भारी संख्या रही है ग्राम के लोग, ग्राम प्रधान शिवशंकर सिंह के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की काफिला में, और साथ में ग्वामर के लिए प्रस्थान के, जय माँ कामाख्या जय। 4 साल पूरे हो रहे हैं, ये ऐतिहासिक वर्ष हुए, जो भी फैसले राज्य के अंदर हुए हैं वह गांव गरीब किसान के हित में हुए, गरीब के खुशहाली के लिए हुए। आज कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने के कारण पूरा राज्य खुशहाल में है, और मोदी जी योगी जी की योजनाओं का गांव गांव तक लेकर जाने के लिए पार्टी ने निर्णय लिया है। इसी कारण 11 से लेकर 18 साल चौपाल का निर्णय लिया है। अब 19 से 26 तक पुनः घर घर जाएंगे और योगी सरकार केंद्र सरकार के पत्र को लेकर घर घर। इस देश को जरूरत पड़ी मां भारती के को तो इस गांव का जवान कभी पीछे नहीं हटा। ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग आदरणीय अध्यक्ष जी को सुने, और बड़ा सौभाग्य है कि आज ये और यहाँ हमारे मंडल के अध्यक्ष, बूथ के कार्यकर्ता, और जिनके घर आपको भोजन करने का आपने बूथ अध्यक्ष के घर इच्छा जाहिर की थी, रामा शंकर राम जी और पत्रकार बंधुओं, और यहाँ उपस्थित तमाम क्षेत्र से जिले से आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, हमारे पदाधिकारी, अपने बेटी को अपने पैरों से टच न होने पावे, वो लक्ष्मी है, पैर छुला ले तो उसे पैर भी नहीं छुड़वाना चाहिए, बेटी लक्ष्मी है, पत्नी के ऊपर कभी हाथ मत उठाना, माता पिता के चरणों में बैठकर 5 मिनट मालिश कर दो। लक्ष्मी अपने घर आएगी मित्रों, और सड़क पर चलते मोटरसाइकिल से आपके ये जो गाड़ियां हैं, किसी गरीब टकरा जाता है रिक्शा या उसका मोटरसाइकिल या उसका पैदल रिक्शा चालक, मित्रों कभी हाथ मत उठा जाए, आपको मां के चरणों के लिए बना है, किसी गरीब के ऊपर उठने के लिए नहीं बना है। इस धरती पर कोई भी गुंडा अंतिम समय तक नहीं चलता मित्रों, मैं देखा हूं अपने आत्मा के सामने, वही पूजा जाता है। ये खास रिपोर्ट थी नसीम खान की। आज की खबर में बस इतना ही, ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।